down. क्या हो जाएगा बताओ तो, रूट लग जाएगा इधर, कितना हो जाएगा बताओ, 2 रूट
कम समय लगा, बड़ा आदमी था, ज्यादा समय लगा, और कितनी भी नहीं समझा, कुछ दिक्कत है, क्या हो गया इस काल से? 6√2 hours, ये तो इजी था, अच्छे से समझा, आइए ये 10.4 में किसी को दिक्कत? बाजू वाली क्लास में भी कोई हो तो आके इधर बोल सकते हो, एक्सप्लेन तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से, ओके? हाँ, आप बोले 10.1 का 7 नंबर ना, क्वेश्चन नंबर 7 से। श्रेया, ठीक है बेटा, इसमें क्या दिया हुआ? स्टैंड अप, क्या दिया हुआ बेटा? यानी हार दिया हुआ है, ये कि नहीं? और क्या चाहिए आपको? क्या रेशियो चाहिए? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड्स, क्या लगाऊं? इजी है ना, ये बहुत इजी है ना, चार आर दिए मतलब रेशियो मीन दिस इज अ पीक लाइट फ्रॉम द सन 0.5 और ये साइड 1.5 होगा, लास्ट वाला 1.5 होगा, 0.5 1 और 1.5 ये तो सीधा है ना बेटा, है आर दिया हुआ है और टी स्क्वायर का पूछ रहा है, तो टी स्क्वायर होता है ना भाई आर क्यूब, तो इनके क्या कर लेंगे, क्यूब तो बस लेना है, नहीं समझ आ रहा है? अरे आए क्या बात क्यों कुछ साथ में 7th नंबर स्मॉल आर का रेशियो गिवन है, आर वन इस टू आर टू इस टू आर थ्री इक्वल्स टू 0.5 यानी 1/2 बोलो, इस टू वन इस टू थ्री और 1.5 यानी दो क्या बोलो 3/2, आपको किसका चाहिए? टाइम का स्क्वायर, तो टी वन का स्क्वायर टी टू का स्क्वायर इस टू टी थ्री का स्क्वायर, तो आपको पता है भाई टाइम का स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल होता है? आर क्यूब, है ना, तो आर वन क्यूब आर टू क्यूब और आर थ्री का क्यूब हो जाएगा, तो कुछ है क्या उसी का थ्योरी है कि आर वन कितना है 1/2 का क्यूब है, आर टू कितना है 1 का क्यूब और आर थ्री कितना है 3/2 का क्यूब, कितना हो गया बेटा 1/8 1 इंडिया को पीएस 27/8 ठीक है 1/8 1 और 27/8 कैसे करूं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं सब में क्या हो जाएगा बेटा 1 हो जाएगा 8 हो जाएगा और 27 हो जाएगा, कितना आसान था, कौन सा है क्वेश्चन 1:8:27 ऑप्शन नंबर सी, क्या है इसमें अभी चाहो तो बना सकता हूँ मैं इसको, श्रेया क्या नाम, श्रेया बोली ना आया समझ में पक्के से, ओके और बच्चे बोलो किसी और को कोई तकलीफ हो, आपने ट्राई भी किया है कि नहीं, टेंथ किसी का टेंथ अभी जो बताया बताओ, अभी जो बताया सेम तो है, एक ही टाइप के क्वेश्चन को अगर मैं ही दोबारा बताऊंगा तो फिर आपका क्या मतलब हुआ, कुछ भी अलग है तो बताओ, अभी जो इसके पहले हमने क्वेश्चन किया और इसमें क्या अंतर है, इसे डेटा ही तो चेंज है ना, फिर भी नहीं बनाएंगे हम, तो इसका मतलब हमें थ्योरी नहीं समझ में आया, चलो बताओ जल्दी बताओ, आया किसी का क्वेश्चन नंबर 10 10.1 का क्वेश्चन नंबर 10 आया किसी का, आ गया मुझे बताना पड़ेगा क्या पक्का बोलो आगे बढ़ जाओ कि बताओ ठीक और कोई जॉब है
इसमें चेक पॉइंट में और कोई डाउट है? 10.10 ठीक है, ये भी होगा ठीक है। इसके अलावा ओके 10.14 नहीं, अब ये होगा 20, ये भी होगा ठीक है। जितने टॉपिक्स हुए थे उसके ऊपर आपने किया ट्राई, जो नहीं हुआ वो आपको आगे बोलेगा। चलो आगे बढ़ जाओ मैं ठीक। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है मेनली, है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है उससे हमें समझ में आया कि हर एक बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर्मूला लगता है G=mv2/r² ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ ठीक है। और दूसरा हमने केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन देखा, इसमें जो मेन चीजें याद रखने लग रही कि रेट ऑफ एरिया स्पाइक क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इतने के बराबर होता है, m/2m के बराबर होता है ना, v कांस्टेंट नहीं रहता। क्या रहता है? v कांस्टेंट नहीं रहता। अगर मैं एक क्वेश्चन आपको पूछूं ठीक है कि एक जो प्लैनेट है वो सन के अराउंड घूम रहा है, इसका जो जवाब देगा ठीक है, क्या बोल रहा था बताया रहेगा, एक रुपए का सवाल ठीक है। अगर एक सन के अराउंड प्लैनेट इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूम रहा है ठीक है, तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं बेटा काइनेटिक एनर्जी और टाइम के साथ ठीक है, क्या करूं काइनेटिक एनर्जी और टाइम के साथ ग्राफ बनाऊं तो बताना कौन सा सही हो। Thank you.
प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट रहेगा तो वेदर मतलब स्पेसिफिक टाइम में एरिया पर भी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक एनर्जी में तो कांस्टेंट है पॉजिटिव नीचे मतलब नेगेटिव पहले पार्ट पार्ट की बोले थे
होगा तो मैक्सिमम होगा, जब रूल में होगा मिनिमम होगा। समझा कि नहीं समझा? इसके करेक्ट ऑप्शन नंबर, तुम लोग नहीं पढ़ते यार, मैंने बोला था तुम पीछे की चीजें भले मत बताओ, लेकिन करेक्ट चीजें तो याद रखो। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटे। अभी तक तो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन जो पढ़ा वो हमें क्या बताता है? वो हमें ये बताता है कि अगर दो बॉडी है तो उसके बीच में कैसे फोर्स लगाओ, फोर्स निकालोगे है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालोगे, इसकी जानकारी हमें इससे मिल जाती है। ग्रेविटेशन लॉ यानी न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का तरीका बताया गया। लेकिन कहीं पर अगर दो से ज्यादा बॉडी हो गई तो फिर कैसे निकालेंगे? ये तो दो ही का बताता है भाई, दो से ज्यादा का हो गया तो फिर क्या करेंगे है ना? तो हेडिंग डालेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल बॉडीज, मल्टीपल बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू मल्टीपल बॉडीज। ठीक है, तो लिखना इन सच प्रॉब्लम्स वी यूज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन along with Newton's law of gravitation, जो मैंने बोला उसका भी नहीं समझा आपने? हाँ बोल, कुछ तो बोलो यार। सबसे बड़ा चैलेंज तो तुम लोगों से हाँ बोलवाना है, सिखाना तो अलग लेवल का चैलेंज है, हाँ बोलवाना भी एक चैलेंज है ना? इतना टफ टास्क है क्या ये भी? इतना टफ टास्क है, होमवर्क से भी ज्यादा है ना? बोलो क्या बोल रहा था मैं? क्या मतलब समझ में आया? क्या बोला मैंने, क्या बोलना चाहा स्टेटमेंट के थ्रू है ना? जब दो से अधिक बॉडीज हो जाएंगे तो अकेला न्यूटन लॉ ग्रेविटेशन का नहीं आएगा, उसके साथ साथ एक और प्रिंसिपल का यूज करना पड़ेगा। इसको हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ग्रेविटेशनल लॉ अपन जानते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अपने को जानना पड़ेगा। हेडिंग करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो बेटे मान लो कि यहाँ पर एक पार्टिकल है m, ठीक है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है m1 और यहाँ पर एक पार्टिकल है m2, समझ गए क्या? तो जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उससे हम इसके द्वारा इस पर कितना फोर्स लगेगा ये तो निकाल सकता हूँ मैं, कितना लगेगा? तो मान लो ये दूरी क्या है, r1 है, ठीक है, तो ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा बताओ? इस पर किधर फोर्स लगेगा? किधर लगेगा? इधर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इधर जाने की कोशिश करेगा। मान लो इस फोर्स को क्या बोला मैंने, F1, कितना हुआ बेटा F1? G, M1, M upon R1 का स्क्वायर, समझ गए? ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, किधर लगेगा ये भी पता चलेगा क्या हमको? किधर लगेगा बताओ? हाँ, इधर की तरफ, कितना बोला मैंने F2, कितना हो जाएगा बेटा ये अगर R2 है तो? G M2 M upon R2 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया बेटा, जिस बॉडी पर हमें नेट फोर्स निकालना है सारे बॉडीज की वजह से है ना, जैसे कि मान लो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे ऊपर सब मिल करके कितना फोर्स लगा रहे, तो हम क्या करेंगे? पहले मैं देखूंगा इसने मेरे ऊपर कितना लगाया, फिर उसने मेरे ऊपर कितना लगाया, फिर उसने मेरे ऊपर कितना लगाया, ऐसे करके सबके कारण इंडिविजुअली मैं निकाल। तो मेरे पास कितने फोर्सेस थे? 5, 4, 9, 4, 13, 5, 18 और 5, कितना 23 फोर्सेस लग रहे हैं हमारे ऊपर इंडिविजुअली।
अगर ये जानना है कि मेरे ऊपर टोटल कितना लग रहा है तो क्या करूंगा, क्या करूंगा, अरे बोलो ना, एवरेज करूंगा, ऐड कर लूंगा भाई ना, ऐड कर लूंगा। कैसे ऐड करूंगा, वेक्टर फोर्स कैसी क्वांटिटी, तो कैसे ऐड करना पड़ेगा, वेक्टर के लिए ऐड करना, सीधा सीधा तो ऐड नहीं कर सकते इसको आप, कैसे ऐड करोगे, वेक्टर के लिए ऐड करोगे, आगे बात समझ लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर एक मास के कारण कितना फोर्स लग रहा है उन सबको पहले फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद उनको क्या कर लेते हैं, वेक्टर सम कर लेते हैं। इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझ गए क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो इसके लिए इफ वी टेक वेक्टर सम ऑफ, इफ वी टेक वेक्टर सम ऑफ all the individual forces, yeah, all the forces, if we take vector sum of all the forces acting on the body, acting on the body due to individual masses, due to individual masses, then It is called principle of superposition। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर F net कितना हो जाएगा, F1 plus F2 और रहता तो बेटा वो भी जुड़ जाता, जितने भी individual masses के कारण forces होंगे है ना, उनको calculate करके और उनका vector sum ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो बच्चे, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अच्छे से समझ गए हम लोग, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। तो अब देखो, अब आपका काम बिना वेक्टर का होने वाला है। अब इसमें फिजिक्स कितना, gm1 m2 / r, बाकी क्या वेक्टर, ठीक है, वेक्टर जरूरी है। ओके, आपको आती है वेक्टर, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, हकीकत क्या है वो आप जानते हो, सही है, जानते हो ना वेक्टर, इतनी कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए बेटा, कि जैसे कि अगर सिर्फ ये दो बॉडी, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आएगा, सिर्फ ये दो बॉडी होगा मतलब कितना फोर्स लगता, gm1 m/r1² लगता। अब अगर ये आ गया, अब यहाँ पर एक तीसरा मास आ गया, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट हो रहा है, इसके वजह से इस पे कोई इफेक्ट हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, क्या हो रहा है, इस पे जो पहले फोर्स लग रहा था जब ये अकेला इस पे लगा रहा था, ठीक है, कितना लगा gm1 m/r1 इस पे, इसके वजह से इस पे क्या फर्क पड़ा, बड़ा क्या समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि एक मास के द्वारा दूसरे मास पर कितना फोर्स लगेगा ये ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर मास कोई इफेक्ट नहीं होता। नहीं समझ आया क्या बोल रहा हूँ, अगर वहां पर 10 और फोर्सेस हैं उससे हमें क्या, हमको उस पर जितना लगाना है वो उतना ही रहेगा, दो बॉडी के बीच में फोर्स है वो सिर्फ किस पर डिपेंड करे, हम दोनों का मास और हमारे बीच की डिस्टेंस, कोई तीसरा इनमें से कोई भी चीज को चेंज कर पाएगा क्या, नहीं समझ रही क्या, नहीं समझ रही, इसको इस तरीके से समझो, मान लो इनके बीच में कोई रिलेशन है, भाई है कुछ भी, ठीक है, ये दोनों भाई, अब मैं इनका दोस्त बन जाता हूँ तो उनका रिलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगा भाई, नहीं समझ आ रहा है, उसी तरीके से ये इस पर जितना फोर्स लगा रहा है अभी gm1 m/r1 स्क्वायर लगा रहा है, ठीक है, जब ये नहीं था, अब ये है तब भी, तो ये तो इस पे इतना ही लगा रहा है ना, ये अलग बात है कि ये भी अब लगा रहे हैं, लेकिन इसके बीच जितना लग रहा था वो पहले भी वही है अभी भी वही है, ठीक है, तो
स्टेट नहीं होता। ठीक है, तो आपसे पूछेगा क्वेश्चन क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ अदर मास अफेक्ट्स द फोर्स ड्यू टू वन मास ऑन अनदर। आपका आंसर क्या होना चाहिए बेटा, समझ गए? ठीक है, नोट कर लीजिए। एन ओ टी The gravitational force due to one mass on another. The gravitational force due to one mass on another is not affected. Is not affected due to presence of other masses. Due to presence of other masses. समझ गए? तो चलो अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, चलो मान लो बेटा एक पार्टिकल है जिसका मास है कैपिटल एम। ओके, और एक पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल एम। ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज है स्मॉल डी, है ना? क्या है? स्मॉल डी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, इसके बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बीच में कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जहां पर मैं अगर कोई मास 10 केजी रख दूं तो उस पर नेट फोर्स जीरो हो जाए। ये आर कितना होगा? क्वेश्चन समझ में आया? इनके बीच में 10 केजी मास को कहां रखूं कि नेट फोर्स उस पर जीरो हो जाए। चलो फाइंड आउट करो जल्दी फटाक से। Capital M 10 by R square equals to G small m 10 upon
R कैंसिल हो गया, m by R square equals to small m by d minus R का square, इसको इधर ले जाता हूँ, d minus R का square by R square is equals to m by capital M, दोनों तरफ d minus R by R बराबर root के small m by capital M, नहीं समझ आ रहा है, अरे बोलो समझ आ रहा है क्या, क्या हो गया d by R minus 1 equals to root m by capital M, d by R equals to 1 root m by capital M, therefore R बराबर क्या हो गया d by 1 plus root m by capital M, निकल गया क्या, यही चाहिए था क्या, नहीं समझा, क्या चाहिए था, यही R चाहिए था, तो कैपिटल M से कितनी दूरी पर जाएंगे और वहां पर 10 केजी को रख देंगे तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, जीरो, देखिए समझ गए, कितना
बोलो बोलो n माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, क्या होना चाहिए दोनों को? बराबर होना चाहिए, बराबर कर लेंगे। ठीक है, क्या होगा बेटा? g into 16 capital N by r square is equals to g capital N into 9 by n minus r का स्क्वायर। ठीक है, क्या कहता बेटा? g capital N कट गया, 16 बटा r square और 9 by 16 by r square बराबर 9 by 10 minus r का स्क्वायर। रूट लगाओ, रूट लगाओ, 4 बटा r, 3 बटा 10 minus r है तो 4 into cross multiplication करके 40 minus होगा 3r, 40 बराबर 7r। ठीक, r बराबर 40 by 7, आपका 32 आया n। अगला 40/7 आया क्या समझ में? व्हाट इज आंसर? 40/7 है मार्मी, तुम्हारा भी 40/7 आया, मतलब तुमने काम लिया है सर। 9/16 लिया, क्या लिया? d r = d / 1 फॉर्मूला बना लिया तुमने उसको, कितना याद रखेगा? फॉर्मूला थोड़ा बताया था मैंने, वो जो आया था उसमें रखा तुमने। जी वाह, आया क्या समझ में? आगे बढ़ू और तुम ऐसा कि कर लोगे, है कर लोगे? एक और दू, एक और दे देते हमारा क्या, हमारा क्या, हमारा क्या, सिर्फ आपने एक और दे दिया। चलो एक के लिए बेटा 25 के जी और एक के लिए मैंने 100 के जी। ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया 6 meter। और हमें निकालना है कि कैपिटल या मास कहाँ है, उधर हूँ, जिससे कि वो रेस्ट पे रहे, एट रेस्ट। रेस्ट पे कभी रहेगा बेटा? रेस्ट पे कभी रहेगा? जब नेट फोर्स नहीं लगेगा। इनडायरेक्टली वो आपसे क्या बोल रहे हैं? नेट फोर्स जीरो करने के लिए बोल रहे हैं। नेट फोर्स जीरो कभी होता है? जब फोर्स बैलेंस होता है, I'm
सिक्स माइनस आर होगा, कुछ दिक्कत है? तो बेटी ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको बोला एफ वन, इसको बोला एफ टू, क्या होना चाहिए दोनों बराबर। एफ वन कितना, कैपिटल जी 25 कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। एफ टू कितना, कैपिटल जी कैपिटल एम 100 अपॉन 6 माइनस आर का स्क्वायर। क्या कटा हुआ है, कैपिटल जी कैपिटल एम कट गया है ना, 25 से 4 टाइम्स में चला गया, तो 1 बाय आर स्क्वायर इक्वल्स टू 4 बाय 6 माइनस आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत है ना, ही अड़चन ना ही, ठीक है समझ गए? इसको इसको दोनों साइड क्या किया बेटा, रूट, ये क्या बचा बताओ, 1 बाय आर, ये क्या बचा बताओ, 2 बाय 6 माइनस आर। क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों की दिया ही लेफ्ट में 6 माइनस आर है ना, उधर क्या आया बेटा 2r, कितना हो गया बेटा 3r, कितनी यानी r बराबर 25 केजी से 2 मीटर, 100 केजी से 4 मीटर। समझा कि नहीं, अच्छे से समझ लिया हमने, तो ऐसे टाइप के हो जाएंगे हमसे। ओके बढ़ जाओ मैं आगे, ठीक है? अब ऐसे वाले में फंसे तो फिर मेरा हक बनता है तुमको पनिश करने का, है कि नहीं? उस समय आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, सर ने मार दिया, सर ने डांट दिया, सर ने चीख दिया, है ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगना चाहिए, तब तो जन्म से अधिकार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लो बेटा कि एक मैं बोलता हूँ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्या है बच्चे, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओके, इक्विलेटरल ट्रायंगल, हर एक जगह पर मैंने रख दिया एम एम एम, ऐसे तीन मासेस रख दिए, और इसकी जो साइड लेंथ है वो कितनी है, ए है, इस कॉर्नर का नाम ए है, इस कॉर्नर का नाम बी है, और इस कॉर्नर का नाम सी है। मुझे निकालना है फोर्स ऑन मास ए, बताओ ए मास जो है, ए व्यक्ति पर जो मास है उस पर नेट फोर्स कितना है, चलो फटाफट बताओ, इसको लगा कर तो लाइक चेंज कर रहा है, बताइए क्या चेंज से नहीं होगा, क्या ही लटके हुए थे लोग, ना हंसते हो ना रोते हो जाते हो तो भी नहीं, मुस्कुरा रही है, जीरो आया, कितना आसान है जीरो की, है ना, टेंशन नहीं ली, जीरो को तो कहा नहीं करना है, ऐसे करोगे तो मार्क्स भी मिलेंगे, मस्त वाले अंक हैं, मास एक्सेलरेशन, वाह शाबाश, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो भी एक्सेलरेशन, ओके, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ये तो किसी टाइप का फोर्स पड़ने की जरूरत ही नहीं है क्या सर, नहीं किसी से भी नहीं हुआ, इसको क्या करेगा,
इधर नाम ले लू एफ टू है कितना हुआ भाई ये कितना जी समझ नहीं गया कितने फोर्सेस लगे इसके ऊपर दो फोर्सेस लगे उनको क्या करना है ऐड करना है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना है बोलो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहते हैं उनको वेक्टरली ऐड करना है तो दो फोर्सेस को ऐड करने के लिए क्या लगाते थे अरे क्या करते थे वेक्टर सम वेक्टर वेक्टर लॉ लगाएंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या हो रहा है एक फोर्स इधर लगा एफ वन एक फोर्स लगा इधर एफ टू इसके बीच का एंगल पता होना चाहिए ना तभी तो ऐड करोगे पता है क्या एंगल आपको 60 डिग्री एंगल जिंदगी में तुमको सब कुछ दिया हुआ है तकलीफ किस बात की दोनों फोर्स दिया हुआ है दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है हम रिजल्ट निकाल सकते इसका अरे बोलो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते क्या फॉर्मूला लगाऊंगा एफ टी का एफ टी का क्या फॉर्मूला लगाऊंगा अरे एफटेट यानी रिजल्टेंट रिजल्टेंट क्या होता है रिजल्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा यहां a और b की जगह क्या है f1 है f2 है हैं नहीं समझ आता है अरे कुछ तो बोलो f1 कितना है अब एक चीज अगर हम गौर से देखें तो दोनों बराबर ही है ये भी जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है ये भी जी एम स्क्वायर बाई ए स्क्वायर है तो इसको एक कॉमन एफ बोल लू क्या हो गया एफ स्क्वायर प्लस टू एफ इक्वल एफ स्क्वायर और कॉस कितना 16 नहीं ना समझ आ रहा है तुमको चलिए बोलो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 16 कितना 1 बाई 2 2 2 समझला तब जब बेटा 4 स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर 3 एफ स्क्वायर क्या बाहर आया रूट 3 एफ और एफ नेट कितना हो गया एफ नेट कितना हो गया 3 एफ स्क्वायर नहीं समझा अच्छे से समझा अब डायरेक्शन किधर होगा वेयर इज डायरेक्शन डायरेक्शन किधर होगी तो मैग्नीट्यूड निकला सर एफ कितना था जिसमें की एफ क्या था अरे बोलो जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर फोर्स कितना लगा रूट थ्री जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर डायरेक्शन बोलो मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी दोनों वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करता है ठीक है दोनों बराबर है ना ये बाइसेक्ट करेगा रिजल्टेंट ऐसा होगा नहीं समझा ऐसा होगा f a बराबर √3 gm स्क्वायर बाय a स्क्वायर दिस इज द लेंथ और लॉ ऑफ द मास थी अरे आया कि नहीं समझ में कर लोगे ऐसा वाला अच्छे से समझ में आया आपको पक्का कर लोगे ना दो हो गया ये वाला करना चाहिए ना हुआ तो नेक्स्ट चलो इस बार मैंने सबका आंसर आना चाहिए एग्जांपल एक स्क्वायर पकड़ा क्या पकड़ा बेटा स्क्वायर पकड़ा साइड लेंथ ए है एक दो तीन चार है इक्वल मास रखती है एम 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 ठीक है इसको बोला क्वार्टर ए बी सी और डी ठीक है तो हमें निकाल के बताओ फोर्स ऑन ए ठीक है नेट फोर्स ऑन ए चलो फटाफट बताओ सबका आना चाहिए बनना भी चाहिए ये वाला
sorry. Yeah.
एफ थ्री बोलो कितना हुआ बोलो जी एम स्क्वायर बाई ए तो हमको ये वाली दूरी चाहिए ना पापा ये दूरी कितनी है रूट टू ए डायगोनल है ये स्क्वायर का रूट टू ए होता है जी एम थ्री क्या हो गया मेरा जी एम स्क्वायर बाई रूट टू ए का स्क्वायर हाँ कितना हो गया एफ थ्री में ऐसे तीन फोर्सेस आ गए समझ गए कि नहीं अच्छे से समझा बोलो नहीं आ रहा ना समझ में तो अब यहाँ पर कितने फोर्सेस चल रहे हैं उस ब्लॉक पर कितने फोर्सेस चल रहे हैं टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तीनों को ऐड करना पड़ेगा आप लोगों ने क्या किया दो को ऐड करके बस एक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था है एक ने तुमसे खाना मांगा था पैसा मांगा था क्या मांगा था ये छोड़ दिए इसको आया कि नहीं समझ में वही हमको प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ने सिखाया एफ नेट जो होगा एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री और रहेगा तो और करेंगे अभी तीन है तो तीन को ऐड करना पड़ेगा आप सब लोग क्या कर रहे हो दो ही को ऐड कर रहे हो दूसरे को छोड़ दे रहे हो ऐसे तो बात नहीं होगी ना आप उसको छोड़ रहे हो मार्क्स आपका साथ छोड़ देगा नीट आपका साथ छोड़ देगा बोर्ड आपका साथ छोड़ देगा ऐसा दिन तो नहीं आएगा सर है ना बोर्ड में भी कोई मिस्टेक हो जाए ऐसा नौबत तो नहीं आएगा ना क्या ऐसा नौबत नहीं आएगा समझ आ गया आपको तो कैसे करें सर दो वेक्टर को तो ऐड करना आता है कैसे करते थे है अभी जो हमने फॉर्मूला उससे कर लेंगे तीन को कैसे ऐड करेंगे सर आज तक क्या हमने तीन वेक्टर को कभी ऐड ही नहीं किया हाँ टोटली तीन को है समझ आ रहे कैसे जोड़ लेंगे दो तरीके से कर सकते हैं या तो हम पहले इक्वल को सॉल्व कर ले हैं पहले इक्वल को सॉल्व कर ले फिर इसके साथ ऐड कर लेंगे जो तो पहले दो को सॉल्व कर तो बेटे एक चीज और से देखो तो f1 और f2 इक्वल है क्या नहीं समझ आ रहा है f1 और f2 क्या है इक्वल है तो मैंने उनको मान लिया सपोज f f1 equals to f2 equals to f1 चलेगा ना तो बताओ f1 और f2 कितना है 90 डिग्री पर चलिए बोलो f1 और f2 कितना है 90 डिग्री पर है कितना हो जाएगा इसका f ने चलिए बोलो f स्क्वायर प्लस 2 इनटू f इनटू f इनटू cos 90 cos 90 क्या होता है बेटा 0 ये वाला पार्ट क्या होगा 0 इनका आया बेटा f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इनटू f स्क्वायर बराबर आया f समझ गए कि नहीं कितना आया f टू आ डायरेक्शन बता सकते हो क्या डायरेक्शन किधर होगा वेयर इज द डायरेक्शन मैंने अभी अभी कितनी बार बोला अगर इक्वल हो तो हमेशा एंगल को क्या करता है बाइसेक्ट करता है तो इसका किधर आएगा इधर आएगा कितना हो गया बेटा टू एफ रूट टू एफ तो आपको क्लियरली सीन है ना ये रूट टू एफ और ये एफ थ्री दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में रहे तो क्या होता है बेटा सीधा ऐड होता है सेम डायरेक्शन में रहे तो क्या होता है सीधा ऐड होता है तो ये थ्री रूट टू एफ रूट टू एफ और उसका कितना था एफ थ्री ये तो सीधा ऐड हो जाएगा तो रूट टू एफ के पास हमें आपका जी एम स्क्वायर बाय क्या है ना ए स्क्वायर ना प्लस एफ थ्री कितना है आपके पास अच्छे से समझा कोई दिक्कत इसको करो फिर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ ठीक है
डेरिवेशन में क्या क्या हो गया एफ वन और एफ थ्री कॉस 45 इस डेरिवेशन में क्या हो गया एफ टू एंड एफ थ्री साइन 45 समझ गए क्या इतना ही फोर्स है ना बस इतना ही फोर्स है ना इन्हीं को बस ऐड करना है इन्हीं कितना हो गया इतना एफ वन कितना हो गया जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एफ थ्री कितना था जी एम स्क्वायर बाय टू ए स्क्वायर और कॉस 45 क्या हो गया 1 by 2 इधर भी क्या हो गया इधर g n square by a square plus f 3 लिखना था g n square by 2 a square और sin 45 का 1 by root 2 क्या common ले लूँ इसे क्या common ले लूँ g n square by a square common ले लूँ 1 by तो 1 plus 1 by 2 नहीं इधर भी g n square by a square common लिया 1 plus 1 by तो कोई दिक्कत इस वाले को क्या बोलूं आई कैप इस वाले को क्या बोलूं आई कैप और इस वाले को क्या बोलूं माइनस जे कैप माइनस जे कैप देखो एफ एट कितना बचा ए प्लस के जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 2 टू आई कैप माइनस जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 प्लस 1 बाय 2 तो ठीक है ये वेक्टर आ गया है अब बताओ इसको कैसे सॉल्व करा करते हैं मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे करा करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट प्लस जे का कोफिशिएंट नहीं समझ आ रहा अरे ई आई कैप प्लस बी जे कैप है ना या एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप है क्या करते थे
ये गिवन है, वो गिवन है, है वो गिवन है, ये भी गिवन है। उस क्लास में चार बच्चों क्या है, उसमें एक भी नहीं है, फर्क ही क्या है मेन गिवन और गिवन। आत्मा ने बनाया, वर्ष ने बनाया, इन्होंने बनाया, क्या हमारा पूरी बन जाएगा? ये बराबर होगा कि नहीं समझ आएगा? ये किधर जाएगा?
ईमानदारी से, ओके?